शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। इस पर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कटाक्ष किया है। विज ने कहा कि पहले चाणक्य नीति आई और अब केजरी नीति आई है। केजरी नीति ये कहती है कि इनके नेता ऐसे काम करें जो जेल में चले जाएं, जेल के अंदर से ही सरकार चलाई जाएगी। विज ने कहा कि अब जेल के अंदर कोरम पूरा हो गया है, तो केजरीवाल जेल के अंदर ही कैबिनेट की मीटिंग किया करेंगे। पहले होती थी विदुर नीति, फिर आई चाणक्य नीति और अब आई है केजरी नीति। केजरी नीति ये कहती है कि इनके नेता ऐसे काम करें कि जो जेल में चले जाएं और जेल में जाके फिर अंदर से सरकार चलाई जाएगी। ये नई नीति का इजाद किया है केजरीवाल जी ने और मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है। अब जेल के अंदर कोरम पूरा हो गया, अब जो वही कैबिनेट मीटिंग करा करें और वहाँ पर शांत चित्त एकाग्र होकर वहाँ पर अपनी बैठक करें। दरअसल अनिल विज अंबाला कैंट के एसडीएम ऑफिस परिसर स्थित शहीद आजम भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुँचे थे। विज ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत से सारे हिंदुस्तान में इनकलाब और भारत माता की जय की सुनामी आ गई थी। विज ने कहा कि ये आज़ादी हमें कुर्बानियाँ देकर मिली है, इसलिए हमें इस देश को संभाल कर रखना चाहिए। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी का बलिदान दिवस है। आज के दिन उस जालिम हुकूमत ने, उस अंग्रेज हुकूमत ने, वो इतना डरती थी इनसे कि जो निर्धारित समय था उससे भी पहले इनको फांसी दे दी गई थी। इनकी शहादत से सारे हिंदुस्तान में इंकलाब, भारत माता की जय की सुनामी आ गई थी। रगों में, हिंदुस्तानियों की रगों में, युवाओं में रक्त दौड़ने लगा था और इसी से डर कर 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आज भी ऐसा नाम है जो सबके लिए प्रेरणा देता है, जो सबको बताता है कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिल गई, ये बहुत कुर्बानियां देकर आज़ादी मिली है और हमें इस देश को संभाल कर रखना चाहिए, सवार कर रखना चाहिए और इसको मजबूत बनाना चाहिए। बहरहाल अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।